हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुन ट्यून। मैं आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एपर्चर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी फोटोग्राफर है, क्या आप कोई भी वीडियोग्राफी करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप अगर DSLR कैमरे यूज करते हैं, तो वहां पे आपने देखे होंगे कि वहां पे तीन चीज आपको यहां पे मिल जाते हैं। एक है आपका ISO, दूसरा है आपका एपर्चर, तीसरा है आपका शटर स्पीड। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी फोटोग्राफी करते हैं, क्या वीडियोग्राफी करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन जो तीन चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं आपका फोटो अच्छा होगा क्या बुरा होगा, आपका वीडियोग्राफी अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तो ये तीन चीज के ऊपर मेन डिपेंड करते हैं। अगर आपका ये तीन चीज का जो सेटिंग होते हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो अगर आप सही तरीके से सेट नहीं करते हैं, तो आपका वीडियोग्राफी क्या आपका फोटो अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इन तीन चीज के बारे में एक ही वीडियो पे अगर कहना चाहता हूं, तो यहां पे बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं तीन वीडियो बनाऊंगा। एक है यहाँ पे एपर्चर के बारे में, आज मैं बताऊंगा एपर्चर के बारे में, और बाद में मैं ISO और शटर स्पीड के बारे में दो वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, एपर्चर क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी लेंस लेते हैं और लेंस पे को अगर आप यहाँ से ऐसा तरह यहाँ पे घुमाते हैं, तो देखेंगे कि लेंस के अंदर एक डायमीटर है, वो डायमीटर बड़ा हो रहे हैं। इसका अंदर देखिए यहाँ पे एक फोकस जो पॉइंट है वो यहाँ पे बड़ा हो रहे हैं और छोटा हो रहे हैं। आपको शायद देखने में नहीं आ रहे हैं शायद, लेकिन यहाँ पे क्लोज करूंगा तो शायद आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा हो रहे हैं और छोटा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर छोटा होते हैं रेडियस, तो एप जो पॉइंट होते हैं वो बड़ा हो जाते हैं, मतलब एप का जो वैल्यू होते हैं, फोकस पॉइंट का वैल्यू, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और इसको अगर आप ज़्यादा बड़ा, मतलब यहाँ पे ऐसे तरह घुमाते हैं, और इसका रेडियस अगर ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, तो एप का जो वैल्यू होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट का जो रेडियस है, वो उसको बोलते हैं यहाँ पे एपर्चर। तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू बहुत सारा यहाँ पे डिपेंड करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो एपर्चर पॉइंट है, ये आपका f1.4 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद f2 है, f2.8 है, f4 है, f5.6 है, और ये एकदम एंड तक f16, उसके बाद f22, ये ऐसा आपका हो जाते हैं। और ये जो एपर्चर वैल्यू है, ये जितना आपका कम होगा उतना ही आपका लाइट ज़्यादा आएगा यहाँ पे, और डायमीटर बड़ा हो जाएगा। और जितना आप यहाँ पे ज़्यादा एपर्चर यूज़ करेंगे, मतलब एपर्चर वैल्यू जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे, f22 अगर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा और यहाँ पे लाइट आपका कम आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये चीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप f1.4 या f2 अगर आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे और एक जो चीज़ आ जाता है वो है आपका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। देखिए फिर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? अगर आप आपका जो लेंस है, लेंस का अगर फोकस को फुल आप ज़्यादा कर देते हैं, एकदम फुल लेंथ कर देते हैं आपका लेंस का, DSLR लेंस का, तो यहाँ पे आपका जो एपर्चर वैल्यू होते हैं वो आपका कम हो जाते हैं, सबसे कम। मतलब आपका लेंस का जितना कैपेसिटी है उसमें सबसे कम जो एपर्चर होते हैं वो आपका वहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो अगर आपका लेंस, अगर आपका जो एपर्चर है, एपर्चर वैल्यू अगर सबसे कम हो जाते हैं यहाँ पे, अगर सोचते हैं कि आपका एपर्चर वैल्यू 2 है या 1.4 है, तो यहाँ पे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बूका इफेक्ट बोल सकते हैं, क्या बूके इफेक्ट बोल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आपका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। हो सकते हैं कि आपका सिर्फ आपका फेस वहाँ पे दिखाएगा, या अगर आप सामने जाते हैं क्या पीछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका ब्लर दिखाएगा। तो एक पॉइंट को अगर आप फोकस करना चाहते हैं, एक पोर्ट्रेट मूड अगर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका एपर्चर वैल्यू को कम करना होते हैं। यहाँ पे आपका एपर्चर वैल्यू 1.2 क्या 2 क्या यहाँ पे 1.4 क्या आप यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं। इसमें आपका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही ज़्यादा आएगा और बूका इफेक्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी लैंडस्केप का फोटोग्राफी करते हैं, जैसे कि कोई भी पहाड़ का पिक्चर ले रहे हैं, क्या दूर का कोई भी सीनरी ले रहे हैं, तो ऐसा अगर आप इमेज खींचना चाहते हैं, अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कि सनसेट का फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ऐसा अगर फोटोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ क्लियर आना चाहिए वहाँ पे। तो हर चीज़ को अगर क्लियर आप रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो f-stop होगा वो आपका f-16 क्या f-12 क्या f-22 आप वहाँ पे रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपका एपर्चर वैल्यू बहुत ही कम रहते हैं, तो आपका यहाँ पे लाइट बहुत ही ज़्यादा अंदर आएगा और आपका जो इमेज है वो बहुत ही ग्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका एपर्चर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका लाइट सेंस, मतलब आपका जो डायमीटर है लेंस का, वो बहुत ही कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और लाइट बहुत ही कम आएगा,
और इसमें आपका जो लाइट वगैरह है, एक्सटर्नल लाइट्स आपको जरूरत हो सकते हैं क्या, आपका यहाँ पे शटर स्पीड कम कर सकते हैं, ट्राइपॉड यूज करना पड़ेगा, तो बहुत कुछ यहाँ पे आ जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यही है अपर्चर के बारे में, तो शायद आप लोगों को अभी अपर्चर के बारे में पता चल गया है। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा शटर स्पीड और ISO के बारे में, तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें। और मेरा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।